का नारा हमारा अमर है, आजादी का नारा हमारा अमर, इनकलाबी समा को जला देंगे हम। अरण की देवी लहू में नहा जाएगी तो जर्रे जर्रे पर तुझको हिला देंगे हम। अरे माँ की ममता की मैयत उठेगी नहीं, आग क्रांति का घर घर लगा देंगे हम। अरे भैया, भाव समय का जिस समय हमारा देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में भारत माँ जकड़ी हुई करा रही थी, उस समय देश के क्रांतिकारी नौजवान आगे की ओर आए, आकर के अपनी नारा को बुलंद करना शुरू किए, तो उन लोगों का कहना था, यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा दिखल गई मास्टर। बाबा कि अरे घर तू न रहो तब घर तू न रहोगे तो वफा कौन करेगा, करके नारा को अपना बुलंद किए, तो उन लोगों का कहना था, क्या कहना था, कि देंगे जवां, अरे देंगे जवां शहादत आजादी के लिए, छोड़ेंगे नहीं मुल्क हम बर्बादी के लिए, छोड़ेंगे नहीं मुल्क हम बर्बादी के लिए, छोड़ेंगे नहीं मुल्क हम बर्बादी के लिए। अरे तो देंगे जवां शहादत आजादी के लिए, छोड़ेंगे नहीं मुल्क हम बर्बादी के लिए। देश के क्रांतिकारी नौजवान आगे की ओर आकर के यही अपना नारा को बुलंद करते थे, तो कवि का कहना है, क्या कहना है, बाबा यही कहना है कि भारत की दुर्दशा होती गोरे सिपाही से, जकड़ी हुई है बेड़ियां अब ताना शाही से, बजा क्रांति बिगुल आजादी का जय घोष हुआ, बघेला अधिनायक सुभाष चंद्र बोस हुआ, बघेला अधिनायक सुभाष चंद्र बोस हुआ, रम गए गांधी भी आजादी की समाधि में, रम गए गांधी भी आजादी की समाधि में, चलती लेखन असलम की भी चनाधी में, पत्रकारिता से घी दिया हुमाधी के लिए। अरे भैया गौर करेंगे, यहीं से कहानी का शुरुआत है, जिस तरह से आज आर्यावर्त, दैनिक जागरण, खुल्लम खुल्ला, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह जो अखबार निकलते हैं और आप लोग पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से उस समय एक अखबार निकलता था जिस अखबार का नाम वतन की कसम था। वतन की कसम का संपादक जात का मुसलमान जिसका नाम असलम था, वो संपादक था, अंग्रेजों के खिलाफ में अपनी अखबार में नित्य प्रतिदिन निकाला करता था। तो हुआ क्या, तनी से बढ़ के द मास्टर, यहाँ एक लाइन तर्ज दिखल गई, फिल्म का नाम धरती मैया गनवा का लाइन बा। बाबा कि अरे कोई लुटेरा कोई चोर होई जाला, आवेला जवानी बाड़ा शोर होई जाला, मगर गाने का भाव है कि असलम से गोरा, अब असलम से गोरा सरादार का बेला, रोज रोज खबर हजार छापेला।
छौ अधिकारी थी, मगर छौ का नाम क्या था? छौ का नाम क्या था? कि लाड हे नरी की सिंजरी, माइगेटिंग कलेक्टरी, नाटी रावट महान हो। जार्ज बुश बो खलाया, जेम्स फोर्ड को बुलाया, कैले मन में गुनान हो। तो हमारे ताकत के पापी, अरे हमारे ताकत के पापी, ई गदार यहाँ के ला, रोज रोज खबर हजार छापेला। का मतलब उस समय छह अंग्रेज अधिकारी, पहला का नाम था लॉर्ड हेनरी किसिंजर, दूसरा का नाम था माइग्रेटिंग कलेक्टर, तीसरा का नाम था नाट रॉबर्ट्स, चौथा का नाम था जॉर्ज बुश, पांचवे का नाम था जेम्स और छठवें का नाम था फोर्ड। छह अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ में नित्य प्रतिदिन असलम अपनी अखबार में निकाला करता था। एक रोज छह अंग्रेज अधिकारी मिल करके किए क्या, तो तनी से और बढ़ के दा आई हाँ एक लाइन तर्जबा कि अरे बाबा पीछू आ रहा बाबा, तब बाबा पीछू आ रहा बाबा, छिछली गढ़िया महाराजा वारे, महाराजा वारे, फुलवा फूले लाता जनार महाराजा वारे, फुलवा फूले लाता जनार महाराजा वारे, आपस में मीटिंग करके करते हैं क्या, कि अरे कई के मीटिंग आईले, अब कई के मीटिंग आईले, रात आधी अरिया गोरा पपिया रे, तब गोरा पपिया रे, असलम के घेरे लन दुआर गोरा पपिया रे। शकीला को गोली से भू न डाले गोरा पपिया रे, सलमा के करलन घर गोरा पपिया रे। छह अंग्रेज अधिकारी आपस में मिलकर के एक रोज बाबूजी असलम का दरवाजा रात की वक्त में घेर लेते हैं। जिस समय घेर लिए गद्दार, उस समय असलम आकर के हाथ जोड़कर रोने लगा, मगर असलम को लोग गोली से उड़ा दिए। असलम की औरत थी जिसका नाम था शकीला, उसको भी गोली का शिकार होना पड़ा। असलम की एक नौजवान बिटिया, जिस बिटिया का नाम सलमा बतलाया गया, सलमा को टांग करके ले जा करके अपने क्वार्टर में ले गए, और जिस समय क्वार्टर में ले गए बाबू, उसके तन पर से साड़ी को उतार दिए, ब्लाउज को उतार दिए। अरे गद्दार, इतना तक गद्दारी कर डाले कि उस यवला के तन पर साये तक भी नहीं रहने दिए। नग्न बदन में करके जिस समय उस यवला के साथ बलात्कार करना शुरू किए छह अंग्रेज अधिकारी, उस समय सलमा रो रो करके छह अंग्रेज अधिकारियों से कहती है, क्या तो क्या कहती है, कि अब्बा मम्मी के हमरो, अरे ममता छुड़ाई दिहला, आ काहे कर शोका में ससतिया रे बाबूजी, इज्जत उतारा जीना से नूरा उधारा दईदा, आ लूट जन जोगा वाला थतिया ए बाबूजी। रो करके कहती है कि भैया मेरे कोरा दामन में दाग को, अरे भैया मेरे पाक दामन को नापाक मत बनाओ। मगर वो अंग्रेज गद्दार मानने वाले कहाँ थे, हवस के भेड़िए उस यवला की इज्जत को लोग लूट ही लिए, और जिस समय इज्जत को लूट लिए, बाबूजी छह अंग्रेज अधिकारियों की बलात्कार को सहन नहीं कर पाई। 2 बजे रात को सलमा बेहोश हो जाती है, उसकी नंगी लाश ले जा करके उसके दरवाजे पर रख दिए। जिस समय सलमा होश में आई, उस समय बाबूजी देख रही है कि मैं तो नंग बदन में हूँ,
किसी तरह से एक चादर लेकर के तन को ढक करके दौड़ करके माँ के लाश के नज़दीक जाती है। देख रही है कि मेरी माँ की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है, तो माँ की लाश को पकड़ करके सलमा रो करके कहती है, क्या कहती है कि खूनवा से माई, खूनवा से माई तोर सारी रिया भी जली ना, हमारी लूटली होई जतिया जहरऊ मिरिया भैली। सलमा की नजर अपने पिता के लाश पर पड़ती है, तो माँ की लाश को छोड़ करके दौड़ करके पिता के लाश के नजदीक जाती है। जिस समय पिता की लाश के नजदीक जाती है, तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि प्यारी पिस्टल बाबू, प्यारी पिस्टल बाबू के कगरिया पवलीना उठल सागर में लहरिया, उठल सागर में लहरिया सोला नजरिया भाई। नजदीक गई तो बाबूजी एक पिस्टल पाती है, पिस्टल को तोड़ करके देखती है तो उसमें 6 गोली लोड थी। सलमा संकल्प कर लेती है, करे गद्दार, जब तक 6 गोली से 6 दुश्मनों को चुन चुन कर नहीं मारूंगी तब तक चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी। सलमा के दिल में प्रतिशोध उत्पन्न हो गया, मगर बाबूजी धीरे धीरे सवेरा हो चुका था। सलमा सभी लोगों से कहती है, क्या कहती है, तेरी का भाव कि अरे सब नमस्या सोला बन गया, ओ, तब सब नमस्या सोला बन गया, जवानी जहर बनल जो बन जैसे हथगोला। जितने आस पड़ोस के लोग थे सभी लोगों से सलमा यही कहती है क्या? कि पाजी भाई ले रे दुश्मनावा, पता लगाने पहला अधिकारी जेम्स और दूसरा अधिकारी फोर्ड, 6 अंग्रेज अधिकारी एक बार फिर मीटिंग कर लिए और कहने लगे कि जा करके देखाओ कि सलमा के पूरा परिवार के मरने के बाद वहां की तालुकात क्या है, वहाँ की पब्लिकों पर असर क्या पड़ रही है। 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं पता लगाने के लिए। जब जेम्स अफोर्ड के देखलिन सलमा तक करेजवा हरियर हो गई, कैलाश का कि अरे गोली मार के कई ठिकाने, गोली मार तब बाजी हर ले रे दुश्मनवा, बाजी भारी ले रे के अंदर।
से, पिस्टल के अंदर से दो गोली खत्म हो चुकी, दो दुश्मन मारे गए, पिस्टल के अंदर केवल चार गोली बची हुई है और चार दुश्मन मरने के लिए तैयार हैं। एक दिन सलमा पिस्टल को लेकर के चार अंग्रेज अधिकारियों की तलाश में चल देती है, तो यहाँ एक लाइन तर्ज दिहल गई कि अरे घूरा बाजे झाझरा बाजे तब यूरा बाजे करता रहो नव सव जोगी मंगल अब नव सव जोगी मंगल नाचे बिरतिया माय हो। अरे भैया ये तो तर्जबा, मगर सलमा पिस्टल को लेकर के चल देती है और जिस समय चलती है चार अंग्रेज अधिकारियों के मारने के लिए, तो उस समय भाव दिया गया कि अरे तान कसीना चली है सलमा तब तान कसीना चली है सलमा अरे आंखों में अंगार हो तब इन कलाब की बोली बोली अब इन कलाब की बोली बोली बाबू बाला बनी जुझार हो लाल परी से अब रावस गेटिंग लाल परी से अरे लेते रहे बहार हो तब खेले खून की होली सलमा अब खेले खून की होली बाला बनी जुझार हो को लेकर के चली जाती है नार टावर्स के मकान पर, जबकि बाबूजी आधी रात की वक्त है, गौर करेंगे कहानी के अंदर, आधी रात की वक्त है, नार टावर्स और माइग्रेटिंग कलेक्टर ड्राइंग रूम में बैठकर शराब पी रहे थे। सलमा पूरा सज धज के कचकचवा रूप बना ली हलिन, मरखावा काजर कई ली हलिन, आज जब मरखावा काजर कई के डणवा लपकौते गई हो, उस समय नार टावर्स मस्ती में झूमने लगा, कहता है कि रे सलमा आओ बड़ी मौके की बात है, आओ जरा मस्ती पानी लिया जाए। सलमा कहती है कि अरे भैया मैं तो तुम ही लोगों के लिए आई हूँ, एक काम करो पहले शराब का मजा लिया जाए, इसके बाद शराब का मजा लिया जाएगा। दो चार पैग और उड़ेल के सलमा पिला दलस नार ट्रावर्स के और माइग्रेटिंग कलेक्टर के, आज अब नशा में ओवरलोड मम्मा लोग हो गए। ओनी समय पिस्टलवा निकाल करके सलमा कहती है कि अरे गद्दार तुम लोग पहचानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, अरे तो नीच पापी मैं उस देश की बाला हूँ, मैं उस देश की बाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जिस धरती पर वीर राणा शिवा पैदा हुए, जहाँ पर वीर रौधम सिंह पैदा हुआ था, इनकलाब इनकलाब भारत माता की, भारत माता की कह करके ठाई ठाई दो गोली चलवलक, एक गोली मम्मा नार ट्रावर्स के सीना में लगल, एक गोली माइग्रेटिंग कलेक्टर के सीना में लगल, दोनों जन का थुथनवा लटकी गई, खपचावा दांत निकल गई, दोनों जन मोर गोइलन। ए भैया दोनों अधिकारी यहाँ से चले गए, गौर करेंगे पिस्टल के अंदर से चार गोली खत्म हो चुकी, चार दुश्मन मारे गए, पिस्टल के अंदर केवल दो गोली बची हुई है और दो दुश्मन मरने के लिए तैयार है। तो कवि का कहना है कि अरे जैसे भावे मोर के आहार विषधारवा अभावे ला भोजनवा चकोर के अंगारा की मऊतिया चार गोलिया से कैली चार के संघार बचल दुई गोलिया हो दुई दुश्मना हे नरी की सिंजर जा जबू सगदारा। केवल दो गोली पिस्टल के अंदर है, दो दुश्मन है, पहला का नाम है लॉर्ड हेनरी किसिंजर, दूसरा का नाम है जॉर्ज बुश जो कि जज अधिकारी के रूप में है। लेकिन बाबूजी सलमा एक दिन पिस्टलवा लेके लॉर्ड हेनरी किसिंजर के बंगले पर जाती है और करती है क्या, क्या? कि पाइप के सहारे गैली किसिंजर भावनावा तनी ऊपर वाली पति देखे दा
आए तब पाइप के सहारे गैली की सिंजा भवानवा। अरे सलम के देखते ऊ गैले बोखलाए हो, पिस्टल को लेकर के लॉर्ड हेनरी किसिंजर के बंगले पर जाकर के तान देती है। लॉर्ड हेनरी किसिंजर अपनी बेडरूम में बेड पर सोया हुआ था। लॉर्ड हेनरी किसिंजर जिस समय सलमा को देखता है तो सोच गया कि आए हाय, मेरे चार साथियों को मार चुकी है, पचवा में जनात बा के हमारे नंबर बा। देखें बाबूजी अंग्रेज कितना चालाक होते थे। जाता है, जा करके सलमा का पैर पकड़ लिया, कहता है कि बहन मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर चुका हूँ। सलमा धिक्कार करके कहती है कि रे गद्दार, जिस समय तुम लोग मेरे पिताजी पर गोली को चला रहे थे, मेरी माँ कोरा आंचल फैला करके रहम की भीख मांगी थी, तूने रहम किया? नहीं। जिस समय तुम लोग मेरी इज्जत को लूट रहे थे छह साथी मिलकर के, मैं रहम की भीख मांगी थी, तूने रहम किया? उस समय तेरा रहम कहाँ गया था? मगर बाबूजी सलमा नहीं मानती है। हुआ क्या कि आइल प्रतिशोध के लहर मनवा में, भैया सलम बाबू गोली आके दिहली तब बाला बोली इनकलाब जिंदाबादी, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके सलमा पांचवी गोली को चला देती है। लॉर्ड हेनरी किसिंजर भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। गौर करेंगे पिस्टल के अंदर केवल एक गोली बची हुई है, एक दुश्मन मरने के लिए तैयार है जिसका नाम है जॉर्ज बुश जज अधिकारी। तो बाबूजी जिस समय इतनी बात सलमा करती है, अंग्रेजी पुलिस आकर के सलमा को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन भगवान की माया कुदरत की देन, सलमा उसी अदालत में पकड़ कर जा रही है जिस अदालत में सलमा का छठवां दुश्मन जॉर्ज बुश जज अधिकारी के रूप में था। जब जज अधिकारी देखलन कि सलमा मेरी दुश्मन मेरे पांच साथियों को मार चुकी है, तो सलमा को 302 धारा के मुताबिक फांसी का ऑर्डर दे दिया जज जॉर्ज बुश। जिस समय सलमा फांसी के तख्ते पर चढ़ती है, उस समय कवि जी भाव दिए, चेहरे पे काला नकाब, गले में फांसी का फंदा, और फांसी के तख्ते पर सलमा खड़ी है। उस समय कवि का कहना है कि ओढ़ली शहादती चुनैया, अब कफन में सलमा जलाई क्रांति की रोशनी आवतन में सलमा। जेलरी कैले फांसी की तैयारी, मांगला कुछ मरने से पहले अंतिम इच्छा तुम्हारी हो, कलप के बोले या भगिनी वतन में सलमा। गौर करेंगे दो लाइन शिक्षा प्रद बात, किसी भी मुजरिम को जब फांसी होती है उस समय चार अधिकारी होते हैं, पहला में जज होता है, दूसरा में जेलर होता है, तीसरा में डॉक्टर होता है, और चौथे में जलाद होता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी मुजरिम को जब फांसी होती है तो कुछ मिनट पहले उसे पूछा जाता है कि बतावो तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है। सलमा के साथ यही गुजरा, सलमा से पूछा गया कि सलमा तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है। सलमा आंखों में आंसू लेकर कहती है कि भैया मेरी अंतिम ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुन लो, मेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है कि चुंबन लूंगी, कि अरे चुंबन लूंगी प्यारी पिस्टल जिसमें बची एक गोली, सच्चा हमदर्द है जीवन साथी मंद बुद्धि को खोली हो, ये मांगली मंगनिया वतन में सलमा। यही कहती है
कि अंतिम मेरी ख्वाहिश यही है भैया कि जो तुम लोग मेरी पिस्टल को पकड़ चुके हो उस पिस्टल के अंदर केवल एक गोली बच गई है, वही तो मेरी जीवन संगीन है, वही तो मेरी जीवन साथी है। एक बार मरने से पहले मैं यही चाहती हूँ कि दे दो पिस्टल और गोली ताकि मैं अपने गले से लगा लूँ। इसके बाद तुम लोग फांसी के फंदे पे झुला देना या सूली पे चढ़वा देना, भैया मुझे कोई एतराज नहीं है। जॉर्ज बुश छठवां अधिकारी छठवां दुश्मन तो सोचत बा कि आय हाय चलना अब ये हमारा क्या कर सकती है, अब तो मेरे कस्टोडी में है, अब ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ऑर्डर को दे दिया कि रे चपरासी जाओ पिस्टल और गोली ला करके सलमा के हाथों में दे दो ताकि ये गले से लगा ले और जल्द से जल्द फांसी के फंदे पे झुला दिया जाए। चपरासी जाता है, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी आप लोग, जो चपरासी गया पिस्टल और गोली लाने के लिए वो भारतवासी ही था, भारतवासी ही था। सोच गया नौजवान कि जब देश के कारण, जब देश के कारण एक लड़की होकर के जान देना चाहती है तो क्या मैं मर्द होकर के अपनी जान को नहीं दे सकता हूँ। यही सोच गया, पिस्टल तो लाया लेकिन एक बहुत बड़ा चाल कर दिया, पिस्टल में पहले ही से गोली को लोड कर दिया। आता है सलमा के पास लेकर के धीरे से कह दिया कि बहन, अरे बहन तुम अपनी अंतिम ख्वाहिश पूरा कर ले, इस पिस्टल के अंदर मैं अपनी गोली को लोड कर चुका हूँ, गोली को लोड कर चुका हूँ बहन, तुम अपनी अंतिम ख्वाहिश पूरा कर ले, तुम मेरी धर्म की बहन हो, मैं तेरा धर्म का भाई हूँ। जब सलमा ये तनी बतिया सुन ली तब तो करेजवा हरियर हो गई, कहती है कि धन्य हो भैया। अरे भैया तेरे ही जैसा अगर भाई इस धरती पे रहेंगे तो मेरी भारत माँ कभी नहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकती है भैया। यह बतिया कह के सलमा पिस्टलवा को उठा लिंग, जबकि गौर करेंगे चेहरे पे काला नकाब है लेकिन झुरझुर की दिखाई पड़ रही थी, झुरझुर की दिखाई पड़ रही थी। सामने जज जॉर्ज बुश जज अधिकारी छठवां दुश्मन खड़ा था। सलमा कैलिनका गाना के अंतिम प्रमाण की पिस्टल पाय अंगार बन गई, पिस्टल पाय अंगार बन गई, चुंबे बारंबार जॉर्ज बुश को गोली मारी, मच गई हाहाकार हो, दहल गई गोरी पलटनिया वतन में सलमा। जिंदाबाद का नारा लगा करके सलमा छठवां को चला देती है। छठवां दुश्मन भी इस दुनिया से चला गया, इसीलिए बाबूजी इस गाने का शीर्षक रखा गया पिस्टल की छह गोली और छह दुश्मन। पिस्टल के अंदर से छह गोली खत्म हो चुकी, छह दुश्मन मारे गए। तो गाने के अंतिम प्रमाण में फिर वही चपरासी को और उसे सलमा को फांसी के फंदे पर लोग झुला दिए। जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कब गंगा सागर सुबह सकी तैयारी हो, सब नमस्ला सुसोला बन गया यादव ओम प्रकाश कुर्बान वतन पर चोला, सब नमस्ला सुसोला बन गया।